डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी लॉन्च किया गया है। अब जान लेते हैं कि एबीपी यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम क्या है। यह एक विकास पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़ रहे क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। यह शुरू में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा। इनमें से आधे से अधिक ब्लॉक 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी एडीपी पर आधारित है। अब बात कर लेते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य उन जिलों को बदलना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिले भारत में वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। इसमें देश भर के 112 जिले शामिल हैं। केंद्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा संचालित है। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों ने विभिन्न जिलों की प्रगति की जिम्मेदारी संभाली है। अब नजर डाल लेते हैं इसके उद्देश्यों पर। यह तत्काल सुधार के लिए प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापता है। भारत सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने की कोशिश करता है जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। वहीं इस कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा देखें तो अभिसरण यानी कन्वर्जेंस केंद्रीय और राज्य योजनाओं का, सहयोग यानी कोलैबोरेशन केंद्रीय राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारियों और जिला कलेक्टरों का, और मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच प्रतियोगिता। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। दो, यह कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।